तो दोस्तों ये रहा फ्री फायर का कस्टम कलेक्शन पैक। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये पैक हर रोज डाउनलोड करना पड़ता है तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैं आज आप लोगों को ये प्रॉब्लम का सलूशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों एक स्टेप मिस कर जाओगे तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। तो दोस्तों मैं बेसिकली एक टिप्स नहीं दोस्तों मैं बेसिकली आप लोगों को तीन टिप्स देने वाला हूँ। इन तीन में से कोई भी एक टिप्स आप लोग फॉलो करोगे तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का हल निकल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली मैं आप लोगों को ये जो डाउनलोड करने की जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को ही बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फ्री फायर का और एक नया फ्रेश वीडियो में। दोस्तों ये टिप्स फॉलो करने पे आप लोगों को सिर्फ एक ही बार डाउनलोड करना पड़ेगा ये जो कस्टम कलेक्शन पैक देख रहे हो, इस कस्टम कलेक्शन पैक को, और उसके बाद दोस्तों आप आराम से ये जो फ्री फायर है ये फ्री फायर खेल सकते हो। तो दोस्तों इसलिए आप लोग क्या करोगे, फोन का जो सेटिंग है दोस्तों उस सेटिंग पे आप लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फ्री फायर के अंदर ऐसा कोई सेटिंग नहीं है कि ये जो कस्टम कलेक्शन पैक है इसको आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों इसलिए क्या करोगे, आप लोगों को फ़ोन का जो सेटिंग है वो सेटिंग पे जाने के बाद थोड़ा कुछ इधर उधर सेटिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपका सेटिंग जो है वो सेटिंग ऑन करना पड़ेगा। ऑन करके दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे कि लिखा है ऐप मैनेजमेंट। तो आप लोग ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद आप लोग ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है ऐप लिस्ट। तो ऐप लिस्ट पर आने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। और दोस्तों 100% कन्फर्म आप लोगों को एक बार ही वो कस्टम कलेक्शन पैक डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ढूंढना है जो फ्री फायर मैक्स आप लोग खेलते हो वो फ्री फायर मैक्स को, या फ्री फायर खेलते हो उस फ्री फायर को। तो दोस्तों फ्री फायर मैक्स में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये जो देख रहे हो फोर्स स्टॉप, तो आप लोगों को यहाँ पर एक बार फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके इसको क्लीन करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद नीचे देख सकते हो कि लिखा है स्टोरेज यूज, तो क्या करोगे आप लोग स्टोरेज इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे दिखाई देगा कि क्लियर कैश। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कैश काट देना है, और काट देने के बाद दोस्तों यहाँ से निकल जाना है। तो दोस्तों सिंपल सा मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, और निकलने के बाद दोस्तों आप लोगों को और एक काम करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से निकल जाता हूँ, और इसके नीचे आप लोग देख सकते हो कि लिखा है स्पेशल ऐप एक्सेस। तो क्या करोगे, स्पेशल ऐप एक्सेस के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे। और दोस्तों इसके अंदर जाने के बाद और एक काम करना पड़ेगा, ऊपर देख सकते हो कि मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग लिखा है, तो इसके अंदर आप लोगों को आ जाना है। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि फ्री फायर मैक्स है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि फ्री फायर मैक्स यहाँ पर नहीं है, और फ्री फायर भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास फ्री फायर भी है और फ्री फायर मैक्स भी है। तो क्या करोगे, आप लोग यहाँ से निकल जाओगे। दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद आप लोगों को और एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सेटिंग है ये सेटिंग बेचीदा है, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा सेटिंग तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। और ये काम करने के बाद दोस्तों आप लोग जहाँ से फ़ोन को क्लीन करते हो वो जो ऐप है उसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करके दोस्तों यहाँ से आप लोग क्या करते हो, ये ऑप्टिमाइज करने के बाद दोस्तों यहाँ से ये जो पीला वाला बटन है, पीला एक्चुअली नहीं नीला वाला बटन है, इसके ऊपर प्रेस करके आप लोग फ़ोन क्लीन करते हो। लेकिन दोस्तों ये काम आप लोग मत करना, क्योंकि दोस्तों काम करोगे तो वो जो कस्टम कलेक्शन पैक है वो फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए और एक सेटिंग है, तो आप लोग क्या करोगे, ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दो या तीन बिंदी है, तो आप लोग वो दो या तीन बिंदी पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देखोगे यहाँ पर लिखा है कि क्लीन ऐप इच, तो आप लोग एक क्लीन ऐप इच के अंदर आ जाना है। तो आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स है, तो जो भी है तो उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग ये साइड पे एक बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स पे अगर टिक है तो वो टिक को आप लोगों को हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या करोगे, सिंपल सा फ्री फायर मैक्स के ऊपर टच काट रहा हूँ मैं, और टच करने के बाद दोस्तों फ्री फायर के अंदर ये देखो क्या लिखा है, डेटा फाइल्स, और उसके नीचे दोस्तों गेमिंग डेटा, और उसके दोस्तों नीचे अदर फाइल। दोस्तों इनमें से कोई एक के ऊपर टिक है तो जो फ्री फायर है वो फ्री फायर के ऊपर टिक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार देखा देता हूँ, तो देखो ये पूरा का पूरा जो फ्री फायर है या फ्री फायर मैक्स है पूरा का पूरा टिक हो चुका है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर टिक है तो इसको अनटिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं फिलहाल यहाँ से अनटिक कर देता हूँ, और दोस्तों अनटिक करने के बाद आप लोगों को और एक सेटिंग करना है। दोस्तों यही अंत में ये जो सेटिंग है ये सेटिंग काम का है, और इसको करना ही करना है। अगर करोगे तो वो जो कस्टम कलेक्शन पैक है एक बार ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऊपर जो दो या तीन बिंदी देख रहे हो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही वो सेटिंग है, तो मैं भी बताने वाला हूं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये जो वीडियो है इस वीडियो को एक लाइक करना, और दोस्तों ये जो ऊपर दो या तीन बिंदी देख रहे हो
तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल से उसके ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने सेटिंग आएगा, तो वो सेटिंग ही हम लोगों को करना पड़ेगा। तो दोस्तों सिंपल से मैं वो जो दो बिंदी है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और दोस्तों क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आएगा एक सेटिंग लिख के एक ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग है, तो सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा है ऑटो अपडेट के ऊपर ऑटो स्टोरेज क्लीनर। दोस्तों जितना दिक्कत है ये ऑटो स्टोरेज क्लीनर भी देता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है के एवरी डे, तो दोस्तों इसके ऊपर सिंपल से आप लोग क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो पॉपअप है इस पॉपअप पे ही दोस्तों हम लोगों को सेटिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों सिंपल से आप लोग क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग नीचे देखो ये लिखा है एवरी डे, एवरी थ्री डे, नेवर। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो नेवर लिखा है तो दोस्तों इस नेवर के ऊपर ही आप लोगों को टिक करना है, और टिक करके दोस्तों आप लोग गेम में जाओगे। गेम में जाने के बाद दोस्तों ये जो देख रहे हो कस्टम कलेक्शन पैक, इसको आप लोगों को डाउनलोड एक बार ही करना है, और बाद में दोस्तों आप लोग जितना टाइम इसको रख सकते हो रखो, और रख के दोस्तों इजीली ये जो फ्री फायर है ये फ्री फायर आप लोग खेल सकते हो, और बाद में दोस्तों ये जो कस्टम कलेक्शन पैक है इसको बाद में और डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों हाँ यही था आज का वीडियो, और दोस्तों वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करना, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बगल वाला जो बेल आइकन है वो ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए फ्री फायर से रिलेटेड इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही।